अभी हाल ही में आपने देखा होगा, गुजरात के मोरबी जिले में एक पुल टूटने से कई लोगों की मौत हो गई है, और उसमें आप देखे होंगे बच्चे भी शामिल थे, महिलाएं भी शामिल थी। तो ये घटना गुजरात की है, और कुछ पिक्चर भी आप लोग अपने स्क्रीन के सामने देख रहे होंगे। और ये आप देखिए, माचो या माचू नदी पर बना हुआ पुल था, और बहुत पुराना पुल था। और गुजरात की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि गांधीनगर इसकी राजधानी है, और प्रधानमंत्री मोदी साहब एक समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और जो आप होम मिनिस्टर साहब देखते हैं ना, इनका संबंध भी गुजरात से रहा है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया। इसके पड़ोसी आप देख रहे हैं कुछ दादा और दादरा और नगर हवेली और दमन द्वीप भी आपको यहीं देखने को मिल जाएगा। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। वर्तमान में 33 जिले देखने को मिलेंगे गुजरात में। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो भूपेंद्र भाई पटेल है, बीजेपी की सरकार है, और यहाँ के राज्यपाल गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं, और यहाँ विधानसभा में 182 सीटें हैं, और राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं, और यहाँ का क्षेत्रफल आप देखेंगे 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका गुजरात। और यहाँ चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव भी है, इसलिए भी गुजरात काफी चर्चा में बना हुआ है। तो सस्पेंशन ब्रिज या झूलता हुआ पुल वर्ष 1877 में मौरवी रियासत के शासक सर बागजी ठाकुर के द्वारा बनवाया गया था। तो इस पुल के बारे में भी आप लोग याद रखिए, 1877 में बनवाया गया था, और मौरवी की रियासत के शासक थे कौन? बागजी ठाकुर के द्वारा। और इस तरह के क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछ लेते हैं, घटनाएं घटती हैं। और इसे मौरवी के शासकों की प्रगतिशील और वैज्ञानिक प्रकृति को प्रतिबिंबित करने के लिए बनाया गया था, और इसका उद्घाटन वर्ष 1879 में तत्कालीन बॉम्बे बॉम्बे गवर्नर रिचर्ड टेम्पलन ने किया था। और ऐसा माना जाता है कि देखिए, एक पुल की जो उम्र होती है 100 साल अच्छे से चलता है, लेकिन आप देखिए 100 साल से ज्यादा था, और इसकी जो क्षमता थी उससे ज्यादा लोग उस पर सवार भी थे, वहां से निकल भी रहे थे। सस्पेंशन ब्रिज एक प्रकार का पुल होता है जिसमें डेक मुख्य पथ को सस्पेंशन तारों के सहारे नीचे लटका दिया जाता है, और इसे आप लोगों ने स्क्रीन में भी देखा है। देखिए नीचे नदी बह रही है, इसी की बात हो रही है। देखिए इस तरह से टूट गया है, और पुल के दोनों छोर पर ठोस एवं कड़े गर्डर, दो या दो से अधिक मुख्य सस्पेंशन तार, टावर और केवल एंकरेज इस पुल की प्राथमिक संरचनात्मक तत्व है। और मुख्य तार टावरों के बीच सस्पेंडेड झूलता हुआ होता है, और एंकरेज या पुल से ही जुड़ा होता है, और डेक मुख्य पथ का वजन, उस पर आवागमन करने वाली यात्रियों का भार संभालने का काम वर्टिकल सस्पेंडर्स करता है। इस डिजाइन से यह सुनिश्चित होता है कि सस्पेंशन तार पर पड़ने वाला भार दोनों छोर की टावरों पर स्थानांतरित हो जाता है, और फिर एंकरेज केबल्स के माध्यम से यह भार लंबवत संपीड़न द्वारा जमीन पर पड़ता है, और लोग आसानी से निकल पाते हैं। यह आप देख भी सकते हैं, ये प्रतीकात्मक बना हुआ है, ठीक है। ये सस्पेंशन केबल हो गई, ये टावर हो गया, ठीक है। और मच्छू नदी की बात करें या माचू नदी की बात करें तो ये गुजरात में ही बहती है, ये आप देखिए गुजरात में ही बहती है। मच्छू नदी गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में मदला पहाड़ियों से निकलती है, और कच्छ के रण में 141.75 किलोमीटर तक बहते हुए समाप्त हो जाती है। कई जगह 130 किलोमीटर इसकी लंबाई देखने को मिलेगा। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो बेटी हो गया, असोई हो गया, जमुरी, विनिया, मझ छोरी और महा आदि मच्छू नदी की सहायक नदियां हैं। और बांध की बात करें तो सौराष्ट्र क्षेत्र में सिंचाई हेतु इस पर दो बांध भी बनाए गए हैं। और मोरबी जिले की बात करें तो यह सिरेमिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और भारत के सिरेमिक का लगभग 70% मोरबी में उत्पादित होता है, और यहाँ निर्मित सिरेमिक टाइलें मध्य पूर्व पूर्व एशिया और अफ्रीका देशों को निर्यात की जाती हैं। निर्यात करने का मतलब होता है कि यहाँ से भेजी जाती हैं, बेची जाती हैं। आयात का मतलब होता है कुछ मंगाया जा रहा है, खरीदा जा रहा है। तो इस नदी के बारे में आप लोग याद रखिएगा, जरूर रखिएगा, और ये आप देखिएगा कि इसकी कई जगह आप देखिए कि 130 किलोमीटर इसकी लंबाई बताई जा रही है। मांडव हिल्स चोटीला से निकलती है, कच्छ के रण में
माली आपके पास ये मिल जाती है। बेसिन का आकार अगर आप इसका देखें तो 2515 वर्ग किलोमीटर में ये नदी फैली हुई है। ठीक है, इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो आप सभी जानते हैं कि दुखद घटनाएं है रहती हैं, लेकिन आप लोग अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण भी हो जाती हैं, इनसे क्वेश्चंस भी पूछे जाने की संभावना पूरी बनी रहती है।